बर्मी कंपोस्टिंग या केंचुए की खाद, इसकी लोकप्रियता आजकल हमारे किसान भाइयों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ये बर्मी कंपोस्टिंग ऐसी चीज़ है कि इसको हमारे सभी किसान भाई अपने घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं, जिनके पास जानवर हैं और जिनके पास जानवर नहीं भी हैं, वो भी जो व्यर्थ पदार्थ खेती के बचे कुछ हैं उनसे बर्मी कंपोस्ट आसानी से बना सकते हैं। पूसा संस्थान ने आजकल कुछ ऐसी विधियां विकसित कर दी हैं जिससे हमारे किसान भाई जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो ऐसा है कि आप सीधे सीधे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास अगर पेड़ खड़े हैं, पेड़ के नीचे भी आप एक विंडरो या एक मेड़ जैसी बना सकते हैं जिसकी की ऊँचाई लगभग 1.5 फीट ही रखी जानी चाहिए और जिसकी चौड़ाई 1 मीटर से 1.5 मीटर तक जहाँ तक आपका हाथ पहुँच जाए उतने रखनी चाहिए और लंबाई आपके पास जितनी जगह है उपलब्ध हो उसमें बनाना चाहिए। गोबर या गोबर के साथ मिक्स जो भी हमारे खेती से बचे हुए खरपतवार या कभी कभी फसल अवशेष वगैरह को हम प्रयोग कर सकते हैं और उनको प्रयोग करने से पहले हम गोबर को सीधा सीधा ताज़ा गोबर प्रयोग नहीं करते हैं, करीब 15 से 20 दिन पुराना गोबर ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम जो बेड बनाते हैं, एक तो बिना किसी उसके बनाते हैं कि आप कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही ढेर बना दीजिए। दूसरा, आजकल जो खुली ईंटों का सिस्टम भी हम लोगों ने एक विकसित किया है, जो खुली ईंटों के सिस्टम में भी हम यही करते हैं कि 3 फीट चौड़ा लगभग बेड बनाते हैं और इसको लंबाई आवश्यकतानुसार जितनी जगह आपके पास हो और चौड़ाई जहाँ तक हाथ पहुँच जाए तो वो लगभग 1 से 1.5 मीटर तक होता है तो उसे आप बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डायमेंशन या कहना चाहिए कि लंबाई चौड़ाई पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, हाथ आपका पहुँच जाए चौड़ाई है, लेकिन ऊंचाई इसकी विशेषकर ध्यान रखी जाती है कि 1.5 फीट से ज़्यादा होने पर केंचुए नीचे नहीं जा पाते हैं और वो जो खाद है अच्छी नहीं बनती है, तो इसलिए 1.5 फीट बहुत अच्छी मानी जाती है, 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक इसकी ऊँचाई रखी जाए। और इन केंचुओं को जो आप ढेर बनाते हैं उसमें आप ये अंदाजे से ये देखिए कि 1 घन मीटर, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा अगर गोबर का ढेर है तो उसमें 1000 केंचुए छोड़ने से काम चल जाता है। जब हमारी खाद तैयार हो जाती है तो हम जो मेड़ बनी हुई होती है उसको आधा करके एक साइड में समेट देते हैं और उसके बगल में ही दूसरा ताज़ा पदार्थ लगा देते हैं। ये देखते हैं, हम देखते हैं कि 10 से 15 दिन में सारे केंचुए उसमें दूसरे वाले लाइन में आ गए हैं और आपकी जो तैयार खाद है उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं और छानकर उसको प्रयोग करने लायक बना सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कंटेनर्स, अगर कोई टूटे हुए बांस बेसन है, बाल्टी है, गमला है, इन सभी में हम बर्मी कंपोस्ट को बना सकते हैं।